श्रेणी में लाना है। और वो बात सही है क्योंकि हमारे अन्वेषकों ने इस रिफाइनरी की स्थापना की थी कि हम हिंदुस्तान की बेहतर रिफाइनरी बने, पर आज हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिफाइनरियों की श्रेणी में आना है। हमारी जो भी कैपेसिटी है उसी में हमें एनर्जी एफिशिएंट बनना है ताकि लोग देखें और दुनिया कहे कि बरौनी रिफाइनरी जिस लक्ष्य के साथ स्थापित की गई थी आज उसको क्रॉस करके सरपास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिफाइनरी है। तो आइए इसी भावना के साथ हम हमारे अन्वेषकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और श्रद्धा सुमन अर्पित करते करने का उद्देश्य था कि हमारे देश को जिसको आजादी मिली थी, जिसको स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन ऊर्जा की दिशा में भारत उस वक्त भी बाहरी देशों पर निर्भर था। और हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को, हमारे देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से बरौनी रिफाइनरी की स्थापना की गई। आप सभी जानते जोरदार तालियों के साथ चाहूंगी हम सभी उन अन्वेषकों को याद करें। कार्यक्रम के बाद मैं अनुरोध करूंगी मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन से कल नहीं है पूजा ये बात हमारा